फ्रेंड्स ये है सोठ के लड्डू चल पड़े रे, सोठ के लड्डू चल पड़े रे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? तो फ्रेंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों में खाया जाने वाला बहुत ही टेस्टी ड्राई फ्रूट के लड्डू, जिसमें अलसी भी पड़ी हुई है जिसको फ्लैक्सीड बोलते हैं, और सोंठ भी पड़ा हुआ है। इसको हम केवल सोंठ के लड्डू ही नहीं बोल सकते हैं, और या केवल अलसी के लड्डू नहीं बोल सकते, केवल गोंद के भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। तो और ड्राई फ्रूट भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, और बहुत ही हेल्दी होता है, टेस्टी भी खाने में होता है, और ख़ासकर मेरे हिसाब से तो महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, क्योंकि इसमें हल्दी भी पड़ी हुई है जो कि हमारी कमर दर्द वगैरह के लिए बहुत मतलब अच्छा होता है। कहीं भी दर्द हो, कुछ भी हो, उसके लिए अच्छा होता है। और अलसी भी कमर दर्द में फ़ायदा करता है, सोंठ पता ही है सोंठ के फ़ायदे, और गोंद भी पड़ी हुई है जो जिसके फ़ायदे बताने ही नहीं है, आपको खुद ही पता होगा। और इसमें पड़ी हुई है देखो गोंद, जो कि आपको दिखा वो भुनी हुई गोंद थी, ये है छुआरे जो कि मिक्सी में पीसे गए हैं, और करी भी आपको दिखी थी, और ये जो भगोने में दिख रहा है काजू बादाम पीसा हुआ है, मिक्सी में पीस लिया गया। पहले लोग कूटते थे, काटते पीटते थे, अब आजकल लोग मिक्सी ही जल्दी इजी पड़ता है तो उसमें ही काट पीट मतलब पीस लेते हैं, तो उसी में ये है। और बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी पूरा। ये है गुड़ जिसमें ये बनेगा, गुड़ भी आपको पता ही है सर्दियों में कितना फ़ायदेमंद है, सर्दी गर्मी कभी भी चीनी से ज़्यादा आपको गुड़ फ़ायदेमंद है। और ये जो हल्दी है इसको देखो घी में पका लिया जा रहा है पहले, जिससे हल्दी में मतलब कड़ुआपन भी ना हो, कच्चापन भी ना हो, खाने में भी टेस्टी हो और अंदर से आपको फ़ायदा भी दे। इसके बाद ये है फ्लैक्सीड मीन्स अलसी, इसको भी थोड़ा सा हल्का सा भून के और पीस लिया गया है, जिससे इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और फ़ायदे भी इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये है छुहारा और जिसे पीस लिया गया है बढ़िया अच्छे से, और ये गोंद वगैरह हैं, काजू बादाम और थोड़ी सी सोंठ, मतलब यही सब हैं इसमें ड्राई फ्रूट। और सबको मिला के थोड़ी सी वीडियो डालने में हमने लेट कर दी, क्योंकि अभी ये 15 दिन पहले बनी हुई थी। ये है किशमिश, मतलब सारे ड्राई फ्रूट हैं, और ऐसे ही कुछ बनता है लड्डू कब जब बच्चे होते हैं ना तब भी बनता है खाने के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारे आइटम पड़ते हैं जिनके नाम भी मुझे अभी पता ही नहीं है क्या क्या पड़ते हैं, लेकिन ये जो बना है ये सर्दियों में खाने के लिए बनता है। और जैसे मेरी मम्मी को थोड़ा सा है जो है जुकाम वगैरह जल्दी हो जाता है उनको, तो उनके लिए अभी सर्दियों में बनता है अक्सर ये। तो वीडियो डालने में मैं लेट हो गई, क्योंकि मैं अभी इधर आई हुई हूँ ससुराल, ये मम्मी के यहाँ ही बना हुआ था तो एडिटिंग का टाइम नहीं मिला, सॉरी उसके लिए। और ये सब चीज़ों को इकट्ठे एक साथ डाल लिया जाएगा। अब हल्दी भून गई है और उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट उसमें डाल दिए जाएंगे। गोंद जो है उनको तेल में घी में जैसे आप खाते हैं, हमारे यूपी में तेल ज़्यादा चलता है, लेकिन हरियाणा वगैरह में जहाँ मैं रहती हूँ उधर घी ज़्यादा चलता है, तो हमारे घर में इसको सरसों के तेल में जो है छान लिया गया है, ये फूल फूल के बड़ी हो गई हैं। और जिनको घी में होता है वो घी में कर लेते हैं, उसको फुला लेते हैं और छान लेते हैं मतलब। और ये सारे ड्राई फ्रूट जो हैं ये बड़े पतीले में भगोने में इनको मिक्स किया जाएगा, इसमें गुड़ भी डाला जाएगा, ऊपर से इसमें डाला जाए ये है फ्लैक्सीड, ऊपर से इसमें डाला जाएगा घी। वैसे तो पता है सरसों का तेल भी बहुत फ़ायदेमंद होता है अगर बनाते हैं उसमें, हमारे यूपी में चलता है, हम लोग खाते हैं, लेकिन अगर कहीं मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सबको बताती हूँ तो वो विश्वास नहीं करते कि सरसों का तेल ऐसे डाल के खाते हैं, तो फिर नहीं होता, जहाँ जैसे होता है आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। और तेल या घी, पहले इसको सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे, इसके बाद इसमें घी डाल के और गुड़ डाल के, ये वो घी है जिसमें हल्दी को पकाया गया था, इसको भी डाल के और गुड़ डाल के अच्छे से इनके बन जाएंगे लड्डू। तो ऐसे ही बनता है लड्डू, और रखे रहते हैं, सबको मिल मतलब सब कोई खा सकता है, ये नहीं कि जो बीमार है वही नहीं, सर्दियों में सबको फ़ायदा करता है, बूढ़े बच्चे बड़े लेडीज जेंट्स जो भी खाएं सबको फ़ायदा करता है। पहले इन मसालों को अच्छे से मिला लिया जाएगा, मतलब ड्राई फ्रूट को
सब कुछ डाल के उसके बाद इसमें पड़ेगा गुड़, और कच्चा ही गुड़ पड़ेगा। बहुत लोग हैं गुड़ का सीरा बना के फिर उसमें डालते हैं, उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है और वो फ़ायदा भी उतना नहीं करता है। ये थोड़ी सी इसमें सौंठ पड़ गई। तो गुड़ जो है वो ऐसे ही आप अगर फोड़ ओढ़ सकते हैं, अगर आप बना रहे हैं तो फोड़ ओढ़ सकते हैं, तो वैसे ही फोड़ के डालिए, वो ज़्यादा फ़ायदा करता है, सीरा बना के डालने में उतना फ़ायदा नहीं करता है। तो फिर कुछ इस तरीके से ही बन रहा है हमारे घर में लड्डू सर्दियों के लिए। चलिए फिर आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। के लड्डू चल पड़े रे, सोंठ के लड्डू चल पड़े रे, थोड़ा सा लड्डू मेरी सासू ने मांगा, थोड़ा दियत मुना अंग दुखत है, पूरा दिया नहीं जाए पसेरी, इसमें घी पड़े रे, नारियल गोले नौ पड़े रे, छुहारे मुनके सब पड़े रे, सोंठ के लड्डू चल पड़े रे। तो भाइयों और बहनों, ये है सोंठ के लड्डू और गोंद के लड्डू। तो इसको कहते हैं सोंठ के लड्डू और गोंद के लड्डू। तो प्रोटीन है इसमें। तो एक हम खाबे।